जयपुर से, बताइए राठौर साहब। हाँ जी, मेरे पास 25,000 शेयर है पीएनबी के एट द रेट ऑफ 59। 25,000 और बुक पार्सल 25,000। ओके, आइदर आई होल्ड और बुक पार्सल प्रॉफिट। राजेश जी बहुत तगड़ा मुनाफा है इनको, बुक कर लेंगे कुछ प्रॉफिट? देखिए मुझे लगता है 30-35% प्रॉफिट टेकिंग आप कर सकते हो, रेस्ट आप 60% आप रखो, क्योंकि काउंटर में कहीं आप कह सकते हैं कि कहीं दुविधा नहीं है। कि आप अगर देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखो, ऑल टाइम हाई पे चलता है, कैनरा बैंक देखो, स्प्लिट के बाद भी यहाँ पे अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, पीएनबी भी, तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो पीएसयू बैंकिंग है उतने खराब नहीं हुए। हालांकि इनिशियल डिप मिला, लेकिन डिप के बाद ही फिर से तुरंत तुरंत संभलते हैं, तो इसका मतलब इसमें बायर इंटैक्ट है। तो मुझे लगता है कि आप 30-40% प्रॉफिट टेकिंग कर लो, थोड़ा मुनाफा ले लो, क्योंकि जो 60% बचेगा उसको स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करो, 120 या 122 का, 122 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखो। मुझे लगता है इनिशियली 140 को एक बार के लिए ये टेस्ट करेगा, प्रोबेबली पेनिट्रेट करके आपको एक नया हाई भी दिखाएगा। पीएनबी यस फॉर मी इट्स ए होल्ड। और 25,000 में से करीब 10,000 बेच दें। हाँ, अगर ऑब्वियसली 30-40% तो लेना चाहिए। देखिए इवेंट सामने खड़ा है, आई कुड बी रॉन्ग ऑल्सो, अगर इवेंट आगा, क्योंकि इवेंट दिस इज नॉट ए टेक्निकल थिंग, दिस इज नॉट ए टेक्निकल, दिस इज नॉट ए फंडामेंटल इवेंट, और इवेंट अलग ही चीज होती है जो बाजार को किसी भी तरह से इम्पैक्ट कर सकती है। तो आपने देखा इवेंट के सामने ना टेक्निकल चलता है ना फंडामेंटल चलता है, तो इवेंट है तो स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी घर पे ले लें। अनुराग शुक्ला जी जुड़ गए आप, तो सवाल